वेलकम टू टोटल टेस्ट निस्कीज किचन। आज हम घर पर बनाने जा रहे हैं एगलेस चोको वनीला केक विदाउट ओवन। केक बनाने के लिए मैंने एक पैन में हाफ कटोरी शुगर पाउडर ले लिया है। ये शुगर पाउडर मैंने घर पर ही शुगर पीस कर तैयार किया है। अब इसमें हाफ कप रेगुलर ऑयल डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें एक कटोरी मैदा डालकर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हाफ कटोरी दूध डालकर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालकर उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर हमारे बैटर को सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बैटर सेट होता है तब तक हमने मीडियम लो फ्लेम पर कुकर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम हमारे बैटर में 2 स्पून कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल लेंगे। अब हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। अब एक पैन में रेगुलर ऑयल डालकर उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद उसको अच्छी तरह टैप टैप कर देंगे ताकि हमारे बैटर में बबल्स ना रहें। अब हम कुकर में सेट कर देंगे और ढक्कन का रबर और सीटी निकाल लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हाफ आवर के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक बर्तन में आइस क्यूब्स डाल लिया है और उसमें दूसरा बर्तन सेट कर दिया है। अब हमने इसमें वाइपिंग क्रीम डाल ली है और उसको 10 मिनट तक बीट करेंगे। इसको भी हम हाथ से ही बना रहे हैं। हमारा केक बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखो कितना अच्छा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर सिरप डालने से हमारा केक और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। अब हमने हमारी क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल लिया है और हमारे केक को हम डेकोरेट कर रहे हैं। मैंने इसका टॉप ही डेकोरेट किया है। क्रीम का यूज़ आप जितना कम करें उतना अच्छा होता है। मैंने इसको अब फ्लावर से डेकोरेट किया है। आप जैसा चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारे केक पर फ्लावर बन गए हैं और अब हम इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल रहे हैं। कलरफुल स्प्रिंकल्स डालने से इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा सुंदर डिलीशियस केक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका एक पीस काटकर आपको दिखाएंगे कि इसका कितना अच्छा कलर आया है अंदर से और कितना अच्छा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। ये देखो हमारा केक कितना अच्छा कलरफुल और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं केक को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।